नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अशोक कालरा उर्फ बंटी, जो हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी और दक्षिण भारत की कई फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं। ये आजकल शिमला में भी अपने इसी प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी चैनल में। सबको नमस्कार। आपको बात करें फिल्मी उसको दुनिया को लेकर, तो कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ, कहाँ इस प्रोजेक्ट को जुड़े आप और कब इसकी शुरुआत हुई? कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 78 में मैंने एज ए मॉडल काम करना शुरू किया। TVS स्कूटर, घराना घी, कुछ हॉजरी गुड्स, उनकी मॉडलिंग की, FS शूज, देन फोर्स के सिगरेट, वहाँ से मैं एज मॉडल शुरू हो गया। तो बेसिक कहाँ से? हिमाचल से हैं, पंजाब से? मैं पंजाब से हूँ, लुधियाना प्रॉपर का रहने वाला हूँ। मॉडलिंग के दौरान मैं शिमला अक्सर आता होता था और 1980 में मिस्टर शिमला बना था मैं, जो क्लार्क्स होटल में मैं प्रोग्राम रखा गया था। आपने हिंदी फिल्में कौन सी है जो जिसको कहेंगे कि यादगार मूवीज हैं, और पंजाबी फिल्में आपने राजस्थानी भी की हैं? मेरे कैरियर की शुरुआत प्यार के 2-4 दिन मेरी पहली फिल्म थी, जो कि धर्मेंद्र के कज़न जगमिंदर उन दिनों एक नए विलन की तलाश में थे। उन्होंने मुझे ब्रेक दिया, फिल्म ओके गई। फिर उसके बाद मुझे पंजाबी फिल्में मिली, छड़े मलंग जिसमें रमा विज थी, शक्ति कपूर थे, ओके गई। उसके बाद कुछ बड़े बैनर मिले जिनमें पूनम ढिल्लों जी थी, बेटी हिंदुस्तान की, सैयद पीर की डायरेक्ट की हुई। उस फिल्म का मलाल मुझे है कि वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई, प्रोड्यूसर की डेथ हो गई थी, अदरवाइज स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। फिल्मी दुनिया में गॉडफादर की बड़ी ज़रूरत रहती है, जिसके पास, जिसके सर के ऊपर साया नहीं होता इस तरह कोई फिल्म की बड़ी हस्तियों का, तो वो अक्सर फिल्म अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी नहीं टिक पाते। क्या आपके इस तरह से कोई फिल्म परिवार, फिल्म बैकग्राउंड रही है क्या? नहीं, फिल्म परिवार से मैं नहीं, लेकिन मैं जलंधर TV से था और बॉम्बे जाके कुछ मेरे अच्छे दोस्त थे, हमारे फादर अच्छे फिनांसर थे, उस वजह से भी काफ़ी फिल्में कर गया मैं। कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनकी भूमिका आपको लगती है कि इसमें और अच्छा हो सकता था अगर किसी दूसरे एक्टर को, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो करेक्टर साथ वाला रहता है वो दब जाता है, क्योंकि एक अच्छा एक्टर या हीरो के चक्कर में दूसरा अच्छा एक्टर होने के बावजूद भी उसे इतनी तरजीह नहीं दी जाती। क्या आपको लगता है कि इस तरह का भी रहता है, खासकर कैरेक्टर रोल्स के साथ? कुछ फिल्में थी जिनमें बड़े आर्टिस्ट थे, जैसे रंजीत थे, मनमोहन कृष्ण थे, राजन साहब, कमल कपूर, और बड़ी हीरोइने थी जैसे जमुना, राधिका भंडारकर, तो वो रोल बट जाते थे। वो फिल्में अगर करियर की शुरुआत में रिलीज हो जाती तो काफ़ी आसान हो जाता। क्या फिल्म के अलावा अन्य क्षेत्र में भी कभी अपने हाथ आजमाया है, जैसे सीरियल हो गया, थिएटर हो गया, या मॉडलिंग, जैसे आपने कहा था मॉडलिंग? क्या शुरुआत तो मैंने मॉडलिंग से की थी, उसके बाद मैं जलंधर TV में भी रहा, फिर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर टू मिस्टर स्वरूप कुमार फिल्म थी कानून मेरी मुट्ठी में, मार्क जुबेर, परवीन बाबी, उसके बाद हलाल की कमाई, गोविंदा, फारा, असिस्टेंट के तौर पर काम किया मैंने। अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं? 20 साल के गैप के बाद, कुछ सफ़ेद बाल करने के बाद मुझे बाप के रोल मिलने शुरू हुए। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है पंजाब में, काके दा ब्याह, फिर एक आलू वाली सब की फिल्म है जिसमें दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा हैं, तो यहाँ से फिर एक री इंट्रोडक्शन फिल्म के लिए बनी हो रही है। इन दिनों आप शिमला में हैं, तो शिमला आना जाना या शिमला में किस तरह का कोई प्रोजेक्ट है खास, या कोई आगे की वैसे है? तो कुछ गानों की हम लोकेशन फाइनल करने के लिए आए थे, और इन दिनों मेरा घर भी यहाँ पे एक दिलशांत अपार्टमेंट्स में है, तो साल के साल मीटिंग पे हमें मिलना पड़ता है, उस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी कौन सी फिल्म चल रही है? अभी काके दा ब्याह चल रही है, ये पंजाबी मूवी है? पंजाबी मूवी है, प्रीति सपरू, निर्मल ऋषि, BN शर्मा वगैरह काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट। उसमें किस तरह का रोल है? मैं फादर प्ले कर रहा हूँ उसमें। आज की तारीख में फिल्मों में बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन एक समय था जब फिल्मों में पैसा नहीं था, रोल तो मिल जाते थे, अच्छे अच्छे रोल भी मिल जाते थे, पैसा नहीं था। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि फिल्में छोड़कर या इस लाइन को छोड़ के कहीं और जगह जाएं, या कोई और स्ट्रगल फुल रहा हो कहीं इस तरह का लाइफ? शुरुआत में जाके बम्बई में घर बनाना, एज ए PG रहना, किराया देना बड़ा मुश्किल होता था। फिल्मों में काम मिलता था लेकिन पैसे नहीं मिलते थे।
उसके लिए मैं मद्रास साउथ की फिल्में पकड़नी पड़ती थी। साउथ की फिल्मों में रोल छोटे होते थे लेकिन गुजारे लायक पैसे मिल जाते थे, और वहाँ जो फिल्में रिलीज हुई उनका हमें फायदा कोई नहीं हुआ। क्योंकि आप कह रहे हैं कि फादर के रोल में आना शुरू हुआ है, तो क्या दूसरे क्षेत्र में जैसे डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन में जाने का भी है आपका, क्योंकि आप असिस्टेंट डायरेक्टर पहले भी रहे हैं, और या प्रोडक्शन की साइड कोई? क्योंकि मॉडलिंग मैंने पहले की, हीरो रहा, तो कोशिश है फेस में मेकअप चलता रहे। असिस्टेंट डायरेक्टर में जाके काफी पीछे बैठना पड़ता है। और डायरेक्शन साइड से नहीं इंटरेस्ट अभी तो कोई मेरा बना नहीं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो पूरा नहीं हो पाया और आपको लगता है कि ये पूरा हो जाता, फिल्म पूरी हो जाती, या कोई मॉडलिंग में कोई आपको चांस मिला हो, रुक गया हो, कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है कि अगर होता तो कुछ और होता? वही मैंने बताया, जैसे सुहाग का बलिदान बड़े बजट की फिल्म थी, बड़े कलाकार थे, बनने में काफ़ी वक्त लगा, रंजीत साहब थे। इसी तरह पूनम ढिल्लों के साथ जो फिल्म थी मेवाड़ फिल्म बेटी हिंदुस्तान की, अगर वो रिलीज हो जाती तो शायद वापसी की नौबत ना आती। सुना है आपको प्रॉपर्टी का बड़ा शौक है, जैसे कि आपने कहा कि मेरे शिमला में भी प्रॉपर्टी है जी। और अभी कहते आप फिल्म की शूटिंग के लिए और लोकेशन को लेकर कहीं गए थे और आपको वो पसंद आ गया प्लॉट? गोल्डन पाम एक बिल्डिंग है वहाँ पे, डेरा बसी, वो देखी अच्छी लगी, चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक था, तो सोचा कुछ ले लें, प्रॉपर्टी बन जाए अच्छी बात है। फिल्मी दुनिया की अगर बात करें तो बड़ा लंबा करियर रहा है आपका फिल्म में, 10 साल का रहा है, 60 फिल्में की मैंने। तो आपको ऐसा कोई कटु अनुभव या ऐसा कोई मधुर अनुभव, स्वीट जो जिसको कहते हैं यादें जिसको बोलते हैं, कोई सुनाना चाहेंगे दर्शकों? उन दिनों फिल्में बड़े ज़्यादा वक्त में बनती थी, कोई भी एक छोटी फिल्म में 2-3 साल आराम से ले जाती थी, तो उसमें एक जो वेटिंग पीरियड था जिसको हम रिजल्ट बोलते थे वो सामने नहीं आता था। और पंजाबी फिल्में जैसी सतीश कौल बैठा हुआ था, देन अपना वीरेंद्र साहब थे खुद, उसमें पैसे नहीं मिलते थे, तो खट्टी मीठी यादें बम्बई की हैं, अच्छे दिन भी देखे बहुत, बुरे दिन भी देखे, शोज में जाते थे बड़ी इज्जत मिलती थी, जब घर में बैठते थे दुख होता था। तो अगर एज ए बंटी देखें तो पूरे फिल्म कैरियर को किस तरह से देखते हैं आप, आज तक का सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि ये और बेटर हो सकता था, और अच्छा होता था? डेफिनेटली अगर मैं, मेरी फिल्में जल्दी रिलीज हो जाती, जैसे 80, 81, 82 में भी होती, तो बेटर होता। आप किसको आदर्श के रूप में मानते हैं आप, कि ये एक्टर जिसने अपनी छाप छोड़ी है वो आपके दिमाग में है कि बहुत अच्छा एक्टर है, हाँ इस तरह का होना चाहिए? नहीं, वैसे तो सारे ही सीनियर आर्टिस्ट कमाल के थे, हाँ कुछ चेहरा मोरा हमारा वो जितेंद्र साहब से उन दिनों मिलता था, तो इसलिए लाइन जल्दी पकड़ ली, वरना आर्टिस्ट सब बहुत बड़े बड़े कमाल के आर्टिस्ट बैठे हैं। भविष्य को लेकर क्या योजना है अब आपकी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब भी भविष्य ये है कि ये फिल्में मिलेंगी, चलेंगी, कुछ माउथ पब्लिसिटी होगी, पुराने दोस्त सामने आएंगे, पुराने प्रोड्यूसर मिलेंगे, फिर काम मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से क्योंकि अगर आपका अब नाता है यहाँ पे, आपका खुद की रिहाइश भी है, मकान है आपका, आशियाना है यहाँ पे, आपको लगता है कि हिमाचल को लेकर कोई फिल्म बनाना चाहेंगे या कोई प्रोजेक्ट कोई हिमाचल को लेकर, शिमला को लेकर कोई छेड़ना चाहेंगे? नॉर्मली क्या होता है कि गाने जो करते हैं हम पहाड़ पे आके ही करते हैं, ग्रीनरी वगैरह, और नियरेस्ट हमें पंजाब से शिमला ही मिलता है, सस्ता ही पड़ता है, फिर अपना घर भी है, कोई रहने के में खास प्रॉब्लम नहीं होती, यूनिट कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो कोशिश यही होती है कि ठंडे मौसम में आके हम गाने वाने यहाँ कर जाएँ, बाकी स्टोरी तो बॉम्बे में किसी रूम में बैठ के कम्प्लीट हो जाती है, घर दिखाना है। अभी हाल ही में सरकार के साथ एक टेकओवर टेकअप किया गया है मैटर के, शिमला में हिमाचल प्रदेश में एक फिल्म सिटी बने, आपको लगता है अगर यहाँ पे फिल्म सिटी बनती है तो यहाँ पे इस तरह का फिल्म करियर है या दूसरा सीरियल्स हैं उस तरह के बनने आसान हो जाएंगे और यहाँ के लोगों को भी काम मिल पाएगा? ये अगर कोई इस तरह का फिल्म सिटी शिमला में बनता है वो डेफिनेटली 100% कामयाब रहेगा, क्योंकि हमारे पास ले दे के दारा स्टूडियो चंडीगढ़ में है, वहीं से हमें इक्विपमेंट वगैरह लेने पड़ते हैं या फिर बॉम्बे से लाने पड़ते हैं। अगर शिमला में बन जाता है तो शिमला में रहने की प्रॉब्लम नहीं, होटल्स बड़े अच्छे हैं, लोकेशन बड़ी अच्छी हैं, और हर कोई आर्टिस्ट बम्बई स्पेशली या साउथ वाले गर्मी से बच के हिल स्टेशन पे आके शूट करना प्रेफर करते हैं। अशोक जी, कालरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपने पूरे अनुभव हमारे सामने रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
भविष्य के लिए और आपके जो आने वाली फिल्म है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक और हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे अशोक कालरा उर्फ बंटी, जो फिल्मी दुनिया में इन दिनों अपनी आजमाइश कर रहे हैं फादर्स के रोल में और कैरेक्टर रोल्स में। हम इनके लिए इनके भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद।